हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ज्ञानिति यूट्यूब क्लासेस। मेरा नाम है मृत्युंजय और मैं आज आपको ट्रायंगल्स के मीडियंस और सेंट्रॉइड से रिलेटेड सारे कंसेप्ट बताने वाला हूँ, वो भी क्विक तरीके से, पूरा क्विकली तरीके से। हम इसको रिवाइज करेंगे वो सारा कंसेप्ट, जिससे कि आपको एसएससी के सीजीएल मेंस हो या प्रीलिम्स और एसएससी अदर रिलेटेड जितने भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं रेलवे के, इससे बाहर आपको कोई भी एक क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको ये सारे प्रॉपर्टीज अच्छे से याद हैं तो आपको सारा क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। ओके, तो चलिए हम आज अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं आज मीडियंस। क्या पढ़ने वाले हैं हम? मीडियंस और सेंट्रॉयड के बारे में। पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि ये मीडियन और सेंट्रॉयड कहते किसे हैं। ठीक है, पहले जानना क्या पड़ेगा आपको कि मीडियन और सेंट्रॉयड किसे कहते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, इसे हिंदी में हम बोलते हैं, सेंट्रॉइड को हिंदी में बोलते हैं हम केंद्रक। मैं यहाँ लिख देता हूँ मीडियन, और दूसरा होता है सेंट्रॉइड। क्या होता है? मीडियन और सेंट्रॉइड। ठीक है, मीडियन को कहते हैं हम माध्यिका हिंदी में, ओके, और सेंट्रॉइड को हम कहते हैं केंद्रक। ठीक है, ओके, आप इस दो चीज बात को ध्यान रखना। हिंदी वालों के लिए मैंने बता दिया। अब देखिए, मुझे समझना है ये दोनों आपस में रिलेटेड है, मीडियन से ही सेंट्रॉइड बनता है। मीडियन कहते किसको है? पहले हम ये जानते हैं कि मीडियन किसको कहते हैं। मीडियन कहते हैं जब सामने, ये देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, जब सामने वाले वर्टेक्स ए से, फिर से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सॉरी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये जाता है मान लीजिए पॉइंट डी पे। ओके, लेकिन जब ये लाइन हम ड्रॉ करते हैं ना और ये पॉइंट डी पे जा रहा है, तो ये सामने वाला साइड, ये है ना ट्रायंगल का सामने वाला साइड, इसको दो बराबर भाग में इसको बांट देता है। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि बी डी बराबर डी सी। ठीक है, इसी तरह से फिर मान लीजिए बी गया सामने वाले साइड पे, ओके, बी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे हम किए, तो ये भी इसको बराबर भागों में बांट दिया। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं ए ई बराबर बी सी। क्लियरली, फिर देखिए, फिर सी से जाएगा एफ पे, कहाँ जाएगा सी से? एफ पे, फिर एफ को बराबर भागों में, मतलब सामने वाले साइड ए बी को बराबर भागों में बांट देगा, मतलब ए एफ बराबर आपको हो जाएगा एफ बी। ये समझ में आया? तो यहाँ पे अगर मुझे कहेगा कि मीडियन कौन है, मीडियन कौन है, तो तीन वर्टेक्स होते हैं हमारे एक ट्रायंगल में, कितने वर्टेक्स? शीर्ष ए बी सी, तीन शीर्ष होते हैं, तो तीन शीर्ष है तो तीन मीडियन होंगे हमारे। तो अगर मैं मीडियन का जिक्र करूँ, मीडियन कौन कौन सा कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा आपका साइड ए डी, आप देख रहे होंगे ए डी ए वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक। दूसरा हो जाएगा आपका बी ई, और तीसरा जो है वो हो जाएगा आपका सी ई। समझ गए? ये तीन मेरा इस ट्रायंगल का मीडियन है, सॉरी ये सी एफ है। ओके, तीसरा कौन सा मीडियन हो गया आपका? सी एफ। अब देखिए आपको कह क्या रहा है, अब इसका अगर मैं डेफिनेशन की तरफ जाऊं तो वो क्या कहता है, सुनिए, कि द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ कनकरेंसी। कनकरेंसी मतलब होता है जहां मिलता है, जहाँ पॉइंट मिलता है उसे कहते हैं, जहाँ मतलब सेंट्रॉइड होता है वो पॉइंट है कनकरेंसी ऑफ द थ्री मीडियंस। तीन मीडियन जहाँ आके एक्चुअली मिलते हैं, तीनों मीडियन आपस में मिलते हैं, कनकरेंट होते हैं, मतलब वहाँ से गुजरते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं क्या चीज़? सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं हम? सेंट्रॉइड। ओके, तो देखिए मतलब ये जो पॉइंट है और इस सेंट्रॉइड को हम दिखाते हैं जी से, ये जो पॉइंट होता है जहाँ ये मीडियन ए बी ए डी बी ई और सी एफ मिला है, उस पॉइंट को हम कहते हैं जी, मतलब ये हमारा है सेंट्रॉइड। समझ गए? तो आप समझ गए मीडियन से रिलेटेड आपको एकदम बिल्कुल, क्योंकि आपको ट्रायंगल में बहुत सारे सेंटर्स मिलेंगे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सेंटर मुझे किसके इंटरसेक्शन से मिला है। ये जो सेंट्रॉइड है वो सेंट्रॉइड मिला है हमको मीडियंस के इंटरसेक्शन से, या अगर हिंदी में कहें कि केंद्रक मुझे मिलता है माध्यिका की प्रतिच्छेदी, जहाँ पे पॉइंट होते हैं उस पॉइंट पे मिलता है। ठीक है, आगे क्या बोला देखिए, और जो ये पॉइंट जो बोल रहा है यहाँ पे, द सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इनटू अ पीस ऑफ 1/3 लेंथ ऑफ द मीडियन एंड 2/3 ऑफ द लेंथ।
ये हम आपको आगे समझा देंगे। तो पहला चीज़ आपको सेंट्रॉइड का डेफिनेशन अच्छे से पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड जो है माध्यिका से बनता है, मतलब मीडियन से बनता है। और मीडियन कैसे बनता है, जब सामने वाले वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे हम जब उसको मिलाते हैं तो वो उसको सामने वाले साइड को आधा आधा बांट देता है। जैसे बी डी बराबर, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ दोनों आपस में बराबर है। तो आपको समझ में आ गया सेंट्रॉइड किस तरह से मिलेगा और मीडियंस किसको कहते हैं। ओके, तो चलते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 1 की तरफ। कहाँ चलते हैं हम, प्रॉपर्टी नंबर 1। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या कह रहा है, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी। तीन वर्टेक्स हो गया ट्रायंगल का, ए बी सी ट्रायंगल का। और ये ए डी मेरी माध्यिका है, मतलब ये मेरा मीडियन है। अब मैं सारा जो भी लाइन का बात करूँ सब मीडियंस होंगे, ए डी मीडियंस है। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे सेंट्रोइड कहाँ पर होगा, ये सेंट्रोइड जी, ठीक है। जी क्या करता है, इस पूरे ए डी लाइन को 2:1 रेशियो में बांट देता है। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए जी बाय जी डी बराबर क्या हो जाएगा, 2:1। इतने रेशियो में इसको बांट देता, मतलब ए जी का लेंथ और जी डी का लेंथ दोनों 2:1 रेशियो में आएगा। इसी तरह जिस तरह से ये मीडियंस हैं उसी तरह से इस मीडियन का भी, मान लीजिए डी था तो यहाँ बी ई हो जाएगा, ये सी है तो यहाँ एफ हो जाएगा। तो अगर इस मीडियंस के मैं जिक्र करूँ, ये वाला जो गया है बी ई, इसका कैसे हो जाएगा, तो वर्टेक्स से जो साइड हम लेते हैं वो 2 और सामने दूसरा जो बचा हुआ होता है 1 रेशियो में बढ़ता है। तो वर्टेक्स से ये बी है तो मतलब ये हो जाएगा आपका बी जी बाई जी ई, ठीक है। तीसरा सी जी, सिमिलरली सी जी और जी एफ, सी जी बाय जी एफ, समझ में आ गया ना। ये सब बांटते हैं 2:1 रेशियो में, मतलब कि प्रॉपर्टी यही कहता है, ओके, कि जो सेंट्रोइड, प्रॉपर्टी कहता है सेंट्रोइड विल डिवाइड मीडियंस मीडियंस इनटू रेशियो 2:1 फ्रॉम वर्टेक्स। समझ गए, अगर वर्टेक्स से मैं ध्यान दूं तो मीडियंस को सेंट्रोइड जो है 2:1 रेशियो में बांटता है। मतलब अगर कभी आपको क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में ये चीज दे दिया, ये दे दिया कि ए ए डी कोई मीडियन है और ए डी मीडियन का लेंथ है 9, कितना है 9, तो हमको बताइए ए जी कितना होगा, ए जी, आप समझ रहे हैं। अगर ए डी पूरा, ये पूरा 9 है, मान लीजिए आप जानते हो कि ये ए हो गया, मेरा जी मीडियन हो गया और ये डी हो गया टोटल मीडियन, ठीक है। ये 2:1 में बांटता है, लेकिन टोटल का लेंथ कितना दे दिया, 2:1, 3 का मतलब कितना दे दिया, 9। तो आपसे पूछा है ए जी मतलब 2 का मतलब, तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 3:3, तो 2:3, 6, ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। समझ गए ना आप, लेकिन आपको जो प्रॉपर्टी मैंने बताया है बस आपको उसका ध्यान रखना है। क्वेश्चंस हम फिर कभी देखेंगे, आपको सारे प्रॉपर्टीज मैं बस क्विक रिवाइज कराना चाहता हूँ, ओके। तो चलिए अब सेकेंड देखते हैं। अब देखिए इस ट्रायंगल में देखते हैं अब आपको क्या सीखना है, देखिए प्रॉपर्टी सेकेंड, ठीक है। मान लीजिए ये ए है, ठीक है, ये बी है और ये सी है ना। अब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानते होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से मान लीजिए ये पॉइंट मेरा X1, Y1 है, X1, Y1 है। बी मेरा क्या है, X2, Y2 है और सी मेरा क्या है, X3, Y3 है। समझ गए, तीन पॉइंट को मैंने दिखा दिया, जो वर्टेक्स ए है वो X1, Y1 और X2, Y2 और X3, Y3 है। तो फिर मान लीजिए अगर ये जी है, फिर मान लीजिए कि अगर ये जी मेरा सेंट्रोइड, यहाँ पे ये जी देखिए, यहाँ जी, ये मेरा क्या है, सेंट्रोइड है। तो ये जो जी यहाँ से निकल के आएगा वो जी का जो ये कोऑर्डिनेट होगा, जी का कोऑर्डिनेट होगा, वो देखिए कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई दोनों आते हैं, तो जी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होगा X1 प्लस X2 प्लस X3 बाई 3 और वाई कोऑर्डिनेट होगा Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 बाई 3। समझ गए, मतलब कि इसका X1, इसका X2 और X3 तीनों जोड़ दीजिएगा, बाय 3 कर दीजिएगा तो हमको जी का X मिल जाएगा, और तीनों के Y कोऑर्डिनेट को जोड़ के बाय 3 कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका Y कोऑर्डिनेट। ये आपका है प्रॉपर्टी नंबर 2। इसको हम एक क्वेश्चन की तरह देखते हैं, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन,
ठीक। अब देखिए ए कितना है आपका, 1.3, तो हम इसको मान लेते हैं x1, y1 है ना ए। बी को हम क्या कह रहे हैं, x2, y2। और सी को क्या कह रहे हैं हम, x3, y3। तो ये आपका दिया हुआ है, x2, y2 कितना दिया हुआ है, 4, 6। x1, y1 कितना दिया है, 1, 3। और x3, y3 क्या होता है, 6, 3। अगर आपको कहा जाता है, कि सेंट्रोइड निकाले, सेंट्रोइड मैंने क्या बोला था कि एक्स के लिए आप एक्स को सारा जोड़ दीजिए। एक्स पहला x1 कितना है, 1, तो 1 हमने लिख लिया। x2 कितना है, 4, 4 लिख लिया। और x3 कितना है, 6 बाय 3। इसी तरह से y को जोड़ देंगे, 3 प्लस y2 6 और y3 3, तीनों को जोड़ेंगे तो 11/3 और 12/3 आपको आ रहा है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो 3.6,4 आएगा, मतलब ये जो सेंट्रॉइड निकल के आएगा आपको 3.6,4। दूसरा चीज़ क्या है कि ये जो लाइन होता है ना, ये जो लाइन होता है, समझिए बात, ये इसका मिड पॉइंट होता है। क्या होता है, मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट आपको निकालना हो, मिड पॉइंट, तो आपको क्या करना होगा, जैसे इसका मिड पॉइंट चाहिए तो इसका किसका किसके किसके बीच का है, ए और सी के बीच का है। तो ए और सी के बीच का अगर मिड पॉइंट है तो हमको, अगर ये मान लीजिए आपको बी ई मान लीजिए, ठीक है, अगर इस ई पॉइंट को चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों एक्स को जोड़ना पड़ेगा, मतलब x1 प्लस x3 बाय 2 और y1 प्लस y3 बाय 2। अब बताइए x1 प्लस x3 कितना है, 1 प्लस 6 बाय 2 कोमा 3 प्लस 3 बाय 2। और जब इसको सॉल्व करोगे तो यह आपका आ जाएगा 3.5,3। और यही देखिए यहाँ दिया हुआ है ना, तो मिड पॉइंट हम इसी तरह से निकालते हैं। ओके, तो ये था हमारा कौन सा, सेकेंड प्रॉपर्टी। कौन सा था ये मेरा सेकेंड प्रॉपर्टी, हम ये पढ़े कि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से अगर दिया हुआ हो तो फिर उसको हम कैसे समझेंगे। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी हम इसमें क्या सीखने वाले हैं, तो देखिए थर्ड प्रॉपर्टी में आपको ये समझना है कि ये जो मीडियन होता है, मान लीजिए ए बी और ये सी है ना, तो ये मीडियन बताइए अगर ये यहाँ कट हुआ, ये कट हुआ, ये कट हुआ, टोटल कितने ट्राइंगल्स बना रहे हैं आप समझो। ट्राइंगल्स बना रहे हैं a1, a2, a3, a4, a5 और a6, ठीक है। अगर इसको देखा जाए तो आप एक चीज ध्यान रखना कि एरिया जो है, एरिया एरिया के टर्म में ये छह आपस में इक्वल होंगे। छह क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, a1 बराबर a2 बराबर a3 बराबर a4 बराबर a5 बराबर a6, ठीक है। ये छह क्या होंगे, आपस में एरिया के मायने में इक्वल होंगे। अगर इसका एरिया अगर 2 है तो ये भी 2, 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 ठीक है। दूसरा चीज़ क्या देखना है कि आप इसको समझिएगा, ये हम आपको पढ़ने जब हम पढ़ाएंगे आपको ना ज्योमेट्री तब बताएंगे कि सामने से अगर साइड को हम, ये मान लीजिए ऐसे हम एक लाइन ड्रॉ किए, ये इसको 1:1 में बांटा है, तो इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा, ये साइड्स के बेस के जितना में बांटे हैं उस रेशियो में बांटता है। अगर अगर कोई ट्रायंगल इस तरह से दिया हुआ है और सामने वाला बेस उसको 2:1 बांट रहा है, तो ये पूरा एरिया भी है ना 2:1 में बटेगा, समझ गए। अगर पूरा एरिया 3 है तो 3 में से 2 इस साइड आएगा, 3 में से 1 इस साइड आएगा। इस तरह से अगर मैं देखूं तो मीडियन क्या करता है, जब मीडियन हम ड्रॉ करते हैं तो 1:1 बांटता है, तो इधर का एरिया मतलब ये वाला एरिया और ये एरिया दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। अगर ये 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 1। ये समझ में आया, ठीक है। तो मीडियंस का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये क्या करता है, एरिया को भी, पूरे ट्रायंगल के एरिया को भी 6 बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है। तो चलिए अब चलें अगले प्रॉपर्टी की तरफ। हमने आपको बोला था कि आपको हम सारा प्रॉपर्टी, जितने भी प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस आते हैं वो सारा प्रॉपर्टी आपको हम इसी सीरीज में बता देंगे, जिसमें कि हम सेंट्रॉयड और आपको जो जो भी चीज़ें आपको हम बता रहे हैं। तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 में हमको क्या सीखना है देखो, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या पढ़ना है, अच्छे से ध्यान देना। अगर ये ए है, ये बी और ये सी, बी ई है और ये सी एफ है, ओके, ठीक है। पहला चीज़ तो ये, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सारा कुछ हम मीडियंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो कंडीशन देखिए हम आपको बता देते हैं, ठीक है। कंडीशन पहला क्या होना चाहिए, BE and CF are medians, क्या होना चाहिए, BE और CF क्या होना चाहिए हमारा, मीडियन होना चाहिए। दूसरा समझना,
बीई परपेंडिकुलर होना चाहिए सी एफ के, क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर अर्थ क्या होता है? बीई ये है, सी एफ ये है, ये परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल कितना बनना चाहिए, ये एंगल क्या बनना चाहिए? 90 डिग्री। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो रिजल्ट आपका हो जाएगा, रिजल्ट आपका क्या कहता है कि 5 BC, 5 BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। आप समझना क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। अब मान लीजिए A के सामने साइड A है, ठीक है, B के सामने साइड मान लीजिए पूरा B है, इसके पूरे साइड को हम B लिख देते हैं, और C के सामने इसको आप मान लीजिए C लिख देते हैं। तो आप एक बात को समझना कि ये जो A के सामने वाला बेस है और इसी बेस से दो मीडियन बना है, अगर इस दो मीडियन के बीच 90 डिग्री बन रहा है तो 5 × जिस बेस पे बना है उसका स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए बी मतलब सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। इस चीज को तो आप एकदम मतलब दिमाग में बैठा लीजिए। आपको मैंने कहा है कि आपको कोई भी प्रॉपर्टी की यहाँ कमी नहीं होने दूंगा, जितना प्रॉपर्टी है मैं सारा कुछ आपको यहाँ पे बताऊंगा। ये समझ में आ गया आपको, ठीक ना, कि जिस वर्टेक्स के सामने वाले साइड पे दो मीडियंस बने हुए हैं और उस मीडियन का अगर 90 डिग्री बनता है तो उस साइड जो सामने बेस है उसका स्क्वायर का 5 गुना दोनों साइड के ट्रेंगल के उसके सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे आपको? तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की हम तरफ। तो ये देखिए आपको यहाँ क्या पढ़ना है प्रॉपर्टीज नंबर 5 में। प्रॉपर्टीज नंबर 5 में आपको बहुत ही दिमाग लगा पढ़ना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आता है। इवन 2018 के सीजीएल के मेंस में भी आ गया था। ओके, तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मान लीजिए ए साइड है, ये बी है और ये सी है और ये मेरा डी है, और ए डी हमारा क्या है? मीडियन है। क्या है मेरा? मीडियंस है, ठीक है। दूसरा चीज जो आपको दिमाग में रखना है कि मान लीजिए ए के सामने वाला साइड ये ए है आपका लेंथ, ठीक है, बी के सामने ये पूरा लेंथ जो ए सी है वो बी के बराबर है, और ये पूरा लेंथ क्या है? सी के बराबर है, ठीक है। तो हमको यहाँ जो हम प्रॉपर्टी 5th पढ़ने वाले हैं उसमें हम ये जानेंगे कि लेंथ ऑफ ए डी बराबर क्या हो जाएगा। लेंथ ऑफ हम क्या जानने वाले हैं? ए डी, वो क्या हो जाएगा समझिएगा। लेंथ ऑफ ए डी होता है हाफ, ठीक है, रूट अंडर, देखना रूट अंडर, ठीक है। अब एक चीज बताइए, ए डी किस बेस पे है? ए पे है, आप ध्यान देना किस बेस पे है? ए पे है। तो इस बेस ए को छोड़ के दो साइड कौन सा बचा हुआ है? बी और सी। तो उस तो 2B² + 2C² समझ में आया? बी स्क्वायर का 2 गुना और सी स्क्वायर दोनों जोड़ देंगे, अब माइनस जिस बेस पे है उसको लिख देंगे ए स्क्वायर। क्लियर हुआ आपको? 2B² + 2C² - A² इसी तरह से अगर मैं ए डी निकालना हूं तो हम एक बीई भी आपको बता देते हैं। जस्ट मान लीजिए ये बीई है मेरा, ठीक है, ये बीई भी मीडियन है मेरा। तो बी ई मीडियन का अगर लेंथ निकालना हो तो हम क्या बोलेंगे? 1/2। अब देखिए बी ई किस बेस पे है? बी पे है, तो बचा हुआ कौन है? ए और सी। तो 2A² + 2C² और जिस बेस पे है उसको माइनस में बी स्क्वायर। अगर इसी तरह से मैं यहाँ देखूँ, ठीक है, ये अगर यहाँ तक गया और ये मेरा सेंट्रोइड है, ये मेरा एफ है, तो आप बताओ, लिख के बताओ सी एफ क्या होगा? सी एफ हाफ रूट अंडर। तो सी एफ ये है इस बेस पे है, तो बी और ए बच गया, तो 2B² + 2A² - जिस बेस पे है मतलब C². तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? अगर मुझे तीनों ट्रायंगल का तीनों साइड दिया हुआ है और मुझे अगर पूछा कि मीडियन का लेंथ क्या होगा तो हम इस तरह से इसको हम निकाल सकते हैं। ओके, तो आप देखिए एक इसमें और हम 5 प्रॉपर्टीज आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है और आप बहुत इससे कुछ आपको सीखने को मिलता है और आपका रिवाइज भी अच्छा से हो रहा है, तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।